एक बार मैं नारा बोलूंगा, आपको साथ देना है। जय जोहार का नारा है, एक तीर एक कमान। अरे जब जब आदिवासी बोल रहा है, आवाज दो। खूब खूब धन्यवाद जोहार। आज जो कार्यक्रम को देख के ऐसा लग रहा है, यह प्रतापगढ़ की धरती पे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह हवा का रूप बता रहा है कि एक बिल प्रदेश की एक आवाज बनने जा रही है। मुझे टॉपिक सिर्फ कॉलेज के लेवल पे दिया गया है, नीलेश भाई ने पहले ही बता दिया है। जो अपने बीच में कई सारे युवा साथी हैं और हमारे उदयपुर संभाग के अंदर सबसे बड़ा नुकसान जो कॉलेजों के अंदर एडमिशन प्रक्रिया को लेकर हो रहा है, इस पे मैं बात करूंगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारा जब 12वीं में बच्चा पास होता है, साइंस हो आर्ट्स हो कॉमर्स का कोई भी बच्चा है, उस बच्चे को 70% 80% परसेंटेज बनता है, फर्स्ट डिवीजन बच्चा पास होता है और उस बच्चे की कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, तब बड़ी दुख की बात है। आज हमारे समाज के अंदर जब बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास होता है तो कई रिलेशन रिश्तेदार मामा बुआ सब खुश हो जाते हैं, लेकिन जब कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो बड़ा दुख की बात है। तो इस कॉलेज की एडमिशन प्रक्रिया जो है हमारे यहाँ पे उदयपुर संभाग के अंदर ट्राइबल एरिया के अंदर मात्र 12% सीटें दी जाती है और 12% सीटें में हमारे बच्चे जो है वो पूरे नहीं हो पाते, इस कारण से कहीं कहीं हमारे सीटें कम पड़ते हैं। सीधी सी बात यह है कि हमारे आदिवासियों के ट्राइबल एरिया में जनसंख्या ज्यादा और सीटें कम है, उन लोगों को जनसंख्या ज्यादा कम है और सीटें ज्यादा है, इस कारण से हमारे बच्चों के कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा और 70-80% की मेरिट जा रही है। परसेंटेज की बात देखा जाए तो 12% एसटी को, 16% एससी को और 21% ओबीसी को और 50% ओपन कैटेगरी कर रखा है। इसमें भी कहीं कहीं हमारे विद्यार्थी जो जनरल फाइट करता है, जो जनरल में लेना चाहिए, उनको भी कहीं कहीं वो दीवार खड़ी करी गई है, उस दीवार को भी तोड़ने की हमारी समाज की जरूरत है। और कांग्रेस और बीजेपी को जितने भी नेता रहे हैं, हम लगातार 2016 से संघर्ष कर रहा है यह बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, हर साल ज्ञापन दे रहा है। यहाँ प्रतापगढ़ की धरती पे आके भी मैंने एक साल पहले बोला था कि यहाँ पे अगर हमारे उदयपुर संभाग के अंदर अगर हमारे बच्चों को, सभी बच्चों को जनसंख्या के अनुपात में अगर कॉलेजों में एडमिशन कराना है इस ट्राइबल एरिया के अंदर, तो आवाज बढ़ानी पड़ेगी और एकजुट होना पड़ेगा। आज प्रतापगढ़ जिले के अंदर आप लोगों ने 3 से 4 कॉलेजों में चुनाव जीता है, लेकिन एक कॉलेज बाकी रह गई है। इस कॉलेज में भी डंके के चोट पे आप लोगों को जीतना होगा, तब जाके हमारा कहीं कहीं मांगे पूरी मानी जाएगी। आज मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर हमारे उदयपुर संभाग के जो ट्राइबल एरिया है, इस ट्राइबल एरिया के अंदर अगर जनसंख्या के अनुपात में अगर हमारी सीटें नहीं बढ़ी, सरकार की पॉलिसी रहती है मात्र सीटें जनसंख्या मतलब सीटें बढ़ाने की, लेकिन हम यहाँ अस्थायी रूप से सक्षम बढ़ाने की भी मांग करेंगे। साथ ही अगर हमारी जनसंख्या के अनुपात में सीटें नहीं बढ़ती है ट्राइबल एरिया के अंदर, तो आने वाले यही युवा इस सरकार को परिवर्तन करके दिखाएगा, ये हम लोग चेतावनी कर रहे हैं इस मंच के नाते। ज्यादा कुछ बातें नहीं करूंगा, एक बात मुझे और याद आ रही है कि काकरी डूंगरी प्रकरण जो हुआ, 1167 नौकरियां जो आज जो हमारी समाज की 1167 नौकरियां थी, उस 1167 नौकरियां देने तो उल्टा लेकिन हमारे को कोर्ट कचहरी में डाल दिया और फर्जी मुकद भी हमारा समाज के ऊपर कर दिया है। इसमें से मैं भी 21 दिन जेल जाके आया हूँ। तो मैं कहना चाहूंगा इस सरकार, दोनों सरकारों से, अगर सही टाइम पे अगर आप लोगों ने फर्जी मुकदमा नहीं हटाए तो समय पे आपको भी हटा देंगे। इतनी बातें करूंगा, ज्यादा बातें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाद में कई सारे वक्ता है, बड़े बड़े और दादा भी है, राजकुमार जी है और भी गांधी भाई है, काफी सारे वक्ता, बातें बहुत कुछ करनी थी, लेकिन कम समय में मैं यहाँ मेरा शब्द विराम करूंगा। एक बार फिर से नारा बोल के मेरा स्थान करूंगा।
जय जोहार का नारा है, अरे जब जब आदिवासी बोल रहा है आवाज दो। खूब खूब धन्यवाद जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। अगले वक्त